सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं पूजा और वक्त हो चला है पंजाब एक्सप्रेस का, जिसमें होंगी पंजाब की तमाम खबरें। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश के कॉमन कैडर बनाने की नोटिफिकेशन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन उन्हें मंजूर नहीं और इसे लेकर वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग करेंगे। That there has to be जो वंड हुई सी पंजाब की और हरियाणा की 60-40 का रेशियो सी और यूटी के 60% पुलिस शुड हैव बीन फ्रॉम पंजाब एंड 40% हरियाणा। ये नवा कार्डर असी हक च नहीं, ऑलरेडी टोल्ड यू असी नहीं इस अग्री कर रहे हैं। जब मैं प्राइम मिनिस्टर को लैटर भी लिख दूंगा ऑल्सो भी मीटिंग मैं मिल रहा उन्होंने परसों एंड आई विल बी टेलिंग। जालंधर में बीजेपी ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ पद यात्रा का आयोजन किया। पद यात्रा पंजाब बीजेपी अध्यक्ष श्वेत मलिक की अगुवाई में कंपनी बाग चौक से शुरू हुई, पूरे शहर में घूमते हुए वापस कंपनी बाग चौक पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान श्वेत मलिक ने कहा कि हम चौकीदार की भूमिका निभा रहे हैं और जब तक प्रदेश सरकार चुनावों से पहले जनता से किए वादों को पूरा नहीं करती उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने अफीम की खेती को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विपक्ष की भूमिका ही है, साड़ी भूमिका एक चौकीदार दी है। इस सरकार नू असी 1.5 साल तो वध पौने 2 साल का समय दिता कैप्टन सरकार नू, पर इस सरकार ने कोई भी अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने यूथ नू भी धोखा दिता, युवा नू भी, इन्होंने महिलावां नू भी धोखा दिता, किसानों नू भी धोखा दिता, महिलावां बुजुर्गों नू भी धोखा दिता, फौजियों नू भी धोखा दिता। हर वर्ग दुखी है और उस तो बाद टैक्स ला के व्यापारियों के उद्योगपतियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ती, चुप नहीं बैठांगे। कैप्टन साहब डराओ ना मैनू, मेरे पिछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा, तुसीं की डराओगे। उन होर एक वादा किया नवजोत सिंह सिद्धू ने, कहा उन अफीम भी उगाओ। अफीम वो है जिहड़ी हीरोइन च पैंदी है। तो इत्थों पता लगता है कि सरकार नौकरियां पहुंचाने का वादा किया, घर घर नशा पहुंचाता है। उधर पंजाब की कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा और चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा के मौजूदा 60-40 अनुपात को जारी रखने की अपील की। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अफीम की खेती के मुद्दे पर तृप्त राजेंद्र बाजवा के बयान पर पलटवार किया है। पंजाब स्टेट नूं ते पंजाब दे हकां नूं कोई ढा नहीं लगेगी और ये 60-40 की रेशो चलती रहेगी। हुण जिहड़ा DSP लाउण दे नोटिफिकेशन सेंटर की सरकार ने किया है, ये इनडायरैक्टली पंजाब दे 60-40 दे हकां नूं खोण दा एक उपराला है। चंडीगढ़ नूं आम यूनियन टेरिटरीज के वांग ट्रीट किया गया। चंडीगढ़ के मामले च बोल के दिखा पहला, तुसी भाईवाल हो इन दे BJP वालों के। अज जदों पंजाब ते पंजाबीयत ते हर पंजाबी नू ढा लगती है, घाण हुंदा साडे हक्कां दा, ते जा हुण लड़ अपना पक्ष रख। जालंधर में केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सापला ने संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इस बार दिल्ली में होने वाली रामलीला में हिस्सा लेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार टैक्स को कम कर दे तो तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। पेट्रोल डीजल नू जिहड़ा तुहाडे च बहुत वड्डा इशू पूरे देश च बनाया जा रहा और बनाउण वाली भी कांग्रेस है, और असीं इह सारे जाणदे हां कि भई
केंद्र सरकार का 11% टैक्स है और सूबा सरकार का 35.35% टैक्स और वही कांग्रेस सरकार कांग्रेस के इतने जो नुमाइंदे है रौला पाउंड है अगर वो अपने ही मंजे थले सोटा फेर और ये जो पंजाब के लोगों के टैक्स का जो वाधू जो चार्ज लाया जाता अगर उन्हें ही अपना रिड्यूस कर तो वो भी बहुत वाला फर्क जो 35 की बजाय 25 कर दें तो 8 रुपये डीजल सस्ता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने नाभा में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उन्हें 7 अक्टूबर को पटियाला में होने वाली रैली का न्योता दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रकाश सिंह बादल ने कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सुखदेव सिंह ढींडसा के इस्तीफे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह ढींडसा उनके भाई जैसे हैं और वो कभी भी पार्टी नहीं छोड़ सकते। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के एससी विंग के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रानीके की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें 7 अक्टूबर को पटियाला में होने जा रही रैली और पंजाब में जिला स्तर पर 21 सदस्य कमेटी बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी को एकजुट करने को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस दौरान गुलजार सिंह रानीके ने ढींडसा के इस्तीफे पर बयान दिया। ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ वो लोग जड़े आ वो आने उत्थे अब उन्होंने वास्ते भी अपील करनी है। देखो उन्होंने सेहत पहला भी अगर तो कई बार मीटिंगों के नहीं आते इस करके ज़्यादा सेहत दी कोई एड्डी वीड्डी होर कोई गल नहीं है जो कहते सारी उम्र तो उन्होंने लाते ही होना अस्तीफा दे के जाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर समाना में एक शांति मार्च निकाला गया। इस मार्च से लोगों को शांति और सद्भाव का संदेश दिया गया। इस मौके पर एसडीएम समाना अरविंद कुमार ने मार्च में हिस्सा लिया और लोगों से शांति और भाईचारे से रहने की प्रेरणा दी। दो अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर गुरदासपुर में एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई सरकारी विभाग के लोग भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर एसडीएम रोहित गुप्ता ने बताया कि सभी लोगों को महात्मा गांधी के जीवन से सीख हासिल करनी चाहिए और जीवन में भाईचारे और शांति को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं मैराथन में भारी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए और उन्होंने बड़े ही उत्साह से मैराथन को पूरा किया। मलेरकोटला में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के नेतृत्व में गांधी जयंती के अवसर पर एक जनसुविधा कैंप का आयोजन किया गया जिसमें सरकार के सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर कैंप के लोगों को सरकार की सभी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरकार की 52 स्कीमों को लेकर आम लोगों को जागरूक किया गया। मतलब जो कैंप लाया मैडम रजिया सुल्ताना की गवाही के बहुत ही फायदा हो रहा लोगों को क्योंकि 42 विभाग आए ने इत्थे जिहड़े हर अलग अलग महकमे ने हर सहूलत लई इत्थे डिपार्टमेंट आए हुए ने। प्रशासन वालों बहुत हैल्प की जाती है लोगों की क्योंकि जिहड़ा अज ये कैंप है पब्लिक नूं बहुत फायदा रहू जी इहदा कि अज दे जिहड़े कैंप दे नाल आम जिहड़े जिन्हां लोगों नूं अज ये गल का फायदा हो रहा क्योंकि जिन्हां लोगों नूं पता नहीं हुंदा वो इत्थे आके फायदा उठा। अज जो लोक भलाई स्कीमां दा कैंप लाया है इस विच 42 तरह दियां स्कीमां दे लाभ गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों मिल रहे हैं जिस विच सरकारी पेंशनां नीले कार्ड जो भी सरकारी स्कीम लोगों जरूरतमंदा नूं लोड़ है वह इत्थे आ के अपना मौके का फायदा उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा देखो क्राउड बहुत ज़्यादा लोग
जरूरतमंद बहुत पहुंचे हुए ने। लुधियाना में महात्मा गांधी सरबत विकास योजना के तहत एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिंद्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं सांसद रवनीत बिट्टू भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर ब्रह्म महिंद्रा ने कहा कि पूरी दुनिया को महात्मा गांधी जी के दिखाए शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर रवनीत बिट्टू ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को सही करार दिया। असी किसानां दे नाल डट के खड़े हाँ ते इह जिहड़ा डकैत साहब एक सारा ये इकट्ठा यूनीफाइड होकर इकट्ठे होकर कर रहे हैं। पंजाब दे विचों भी बहुत किसान गए ने तकरीबन वो मार्च कर रहे हैं, चाहे वह ट्रैक्टरां नूं उत्थे चाबियां मोदी साहब नूं सौंपण की गल करे। कांग्रेस पार्टी किसानां दे नाल आ ते जो स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट हुण तां लागू करनी की है, 6 महीने रह गए, हुण तां जवाब आ जिहड़े किसान आ पार्लीमेंट चोणां च देणगे, देखियो इहनां दा बणदा की है। बठिंडा में गांधी जयंती के मौके पर एक शांति मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शांति मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मनप्रीत सिंह बादल ने इस मौके पर स्कूली बच्चों और वहां मौजूद लोगों को भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ दिलवाई। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब सरकार गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए विकास की ओर बढ़ रही है और लोगों की तरक्की के लिए काम कर रही है। और अज के इस मौके पर तमाम जिले के लोगों ने यह असी अजम किया कि यह तो चलो गल वक्री है कि उन्होंने नक्शे कदम से चलना तो बहुत दूर की गल है पर उन्होंने जिंदगियों भुलाना नहीं चाहिए। और असी तमाम बठिंडा वासियों ने अज अजम तो प्रण किया सारिया ने, बच्चों ने, बजुर्गों ने कि असी इस देश विचों रिश्वत, गुरबत, अनपढ़ता, बेरोजगारी, नशाखोरी, वतन दुश्मन कार्रवाइयां खत्म करने लिए असी अपने तन मन धन की बाजी लावांगे। आनंदपुर साहिब के चंगर इलाके के किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसान एक तरफ पानी की कमी से परेशान है तो दूसरी तरफ जंगली जानवर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं पर प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती जिसके चलते वो परेशान है। किसानों ने इसके लिए सरकार से कई बार अधिकारियों तक गुहार लगाई पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फसल तो बथेरी सी पर अपने जानवरों करके कुछ भी नहीं पले पैंदा। जानवर सूर है, बैन है, बारा सिंगल का है, बकरे है, आवारा पशु है, बहुत ज्यादातर खेतों से सोना पैंता पर फिर भी औखा। बरसात ज्यादा होने करके फसल बहुत ज्यादा हुई पर फसल नाल ज्यादा होने के नाल नुकसान भी दोबारा पशुआ करके जंगली जानवर करके बेअंत होया। मुक्तसर साहिब के जलालाबाद रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला सामने आया। मृत व्यक्ति की पहचान गुरमेल सिंह के रूप में हुई है। गुरमेल सिंह की मौत की खबर सुबह पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। इंफॉर्मेशन मिली थी एक शकी हालत एक डेड बॉडी मिली है और वो आके जी शनाख्त की गई है और फैमिली मैंबर ने इनफॉर्म किया गया। फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, बाकी पड़ताल करने जो गल सामने आऊगी वो दसेंगे। लुधियाना पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दावा किया कि लूटपाट की 8 वारदातों के केस इस गिरफ्तारी से सुलझा लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 2 तेज धार हथियार समेत 5,000 रुपए बरामद किए हैं। पगवाड़ा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी कर एक गाड़ी को पकड़ा जिसमें से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस एसपी फगवाड़ा मनदीप सिंह ने बताया कि अवैध शराब के साथ पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
रोपड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से पुलिस ने 11 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं जिनकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह राज्य भर से मोटरसाइकिल चोरी करता था और चोरी की मोटरसाइकिलों के पार्ट्स को बेचता था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर की देसी पिस्टल समेत दो कारतूस भी बरामद किए हैं।